बरसों तक फैशन की दुनिया पर राज करने वाली जांड्रा रोड्स अब 82 साल की हो गई हैं। प्रिंसेस ऑफ पंक नाम से मशहूर रोड्स अपने शहर लंदन में एक डिजाइन आइकन बन गई हैं। वो सड़कों से पंक लुक को रनवे पर लाने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने ब्रिटिश राजकुमारियों एनी और डायना के साथ साथ क्वीन बैंड के प्रमुख गायक फ्रेडी मर्करी और दूसरी हस्तियों के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं। लंदन के बेज वाटर में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो था। मैंने कपड़ों को ट्रेन से उतारा ही था कि फ्रेडी ने वो प्लीटेड टॉप पहन लिया, जिसे आप हमेशा ब्राइडल टॉप समझते हैं। वो इसमें अद्भुत लग रहा है। जांड्रा रोड्स का पेंटहाउस रंगों के प्रति उनके प्यार को जाहिर करता है। 1960 के दशक में वे फैशन डिजाइनर नहीं बल्कि एक इलस्ट्रेटर बनना चाहती थीं। तब उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन की खोज की, लेकिन जब किसी ने उनके डिजाइन नहीं खरीदे, शायद ये सोचकर कि वे बहुत भड़कीले लग रहे थे, तब रोड्स ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। मैंने फैशन में शुरुआत की क्योंकि मुझे अपने बनाए कपड़े बेचने थे। मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर थी और मैंने कॉलेज में प्रिंट करना सीखा था और यही मैं तब से कर रही हूँ। फिर मैंने कपड़े या जैकेट जैसे मैंने अभी पहनी हुई हैं और स्कर्ट बनाने शुरू किए। इसलिए मैं जो कुछ भी बनाती हूँ वो ज्यादातर प्रिंटेड होता है। जांड्रा रोड्स ने कपड़ों से लेकर जूते और मोजे से लेकर घरेलू सामान तक सब कुछ बनाया है और उनका बनाया करीब करीब हर डिजाइन उन्हें याद भी है। खासकर 1986 में लेडी डायना के लिए बनाई ये ड्रेस। लेडी डायना बहुत शर्मीली और बहुत प्यारी थी। बहुत से अमेरिकी सोचते हैं कि आप बस उनके दोस्त हैं, लेकिन आप अंदर जाकर झुककर अभिवादन करते हैं और उन्हें पोशाक पहनकर देखने के लिए कहते हैं। मुझे जैसी वे थी और जैसी दिखती थी, इस बात पर बहुत गर्व था। जांड्रा रोड्स न कभी थकी न रुकी। वो बताती हैं कि उनकी जिंदगी और काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके ये चित्र उसका एक अहम हिस्सा हैं। मैं अपने दोस्तों से प्रेरित होती हूँ। नई जगहों पर घूमने, चित्रकारी करने और चीजों को देखने से भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ और पत्ती या फूल या कीड़ा कुछ भी बनाती हूँ। पता नहीं आपका चित्र आपको किस ओर ले जाए, शायद एक डिजाइन की ओर, या ये स्केचबुक में बनी केवल एक तस्वीर ही रह जाएगी। रोड्स 2003 से दक्षिणी लंदन में रह रही हैं और काम कर रही हैं। यहाँ के एक पुराने गोदाम को उन्होंने फैशन और टेक्सटाइल का म्यूजियम बना लिया है। मुझे लगता है कि बतौर डिजाइनर सबसे बुरा जो आप कर सकते हैं वो है ये सोचना कि मैंने कामयाबी को पा लिया। इसी पल आप अपने लिए गड्ढा खोद लेते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होता है और इस बात के लिए शुक्रगुजार कि आपके पास काम है और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। इस तरह जांड्रा रोड्स अपने 50 साल लंबे कलात्मक सफर को देखती हैं। फिलहाल वो अपने विशाल संग्रह को दुरुस्त करने और इसके कुछ हिस्सों को म्यूजियम में बदलने में मसरूफ हैं और उनकी एक नज़र हमेशा भविष्य पर टिकी हुई है।